हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कैसा रहा है उनका इंटरव्यू, क्या क्वेश्चन उनसे पूछे गए, एंड आप भी उससे आपको आइडिया लग सकता है कि क्या क्वेश्चंस IBPS या RRB PO के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ मेरे दो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उससे बेनिफिट मेरा है, डेफिनेटली आपका नहीं है, बट आपका से बेनिफिट इतना है, आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोनों चैनल्स के लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन चैनल्स पर जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा बेनिफिट मेरा हो जाएगा एंड फ्यूचर में आपको अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। तो देखिए, एक तो बात यह है कि कुछ टॉपिक्स अभी रिमेनिंग हैं जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक आपको वो भी दे दूंगा। एंड अभी शेयर कर लेते हैं एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद मैं शाम तक कोशिश करूंगा बैंक से आने के बाद कि आपको मैं दे दूं जितने भी आप लोगों ने टॉपिक्स मांगे हैं। तो एक DRT बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एज इन कि आप लोगों ने पूछा है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आज ही दे दूं। देखते हैं कैंडिडेट का एक्सपीरियंस। देखिए, ये कैंडिडेट एक्चुअली जस्ट मिनट एक्चुअली इन्होंने अपना नाम बताया था कमेंट सेक्शन में, बट वो कमेंट बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया है। तो आई एम सॉरी कि मैं आपका नाम यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ, अगर आप ये वीडियो देखें तो प्लीज अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, और उसको मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ और एडिट करके हो सके तो वीडियो में भी डाल दूँ। फिलहाल आपका नाम मैं भूल गया हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ये पंजाब से हैं, इन्होंने लिखा है कि इनका जो, ये इन्हीं के वर्ड्स हैं, मैंने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया है इसमें, ठीक है। ये पंजाब से थे और इनसे RRBPO का क्वेश्चन पूछा गया है। पैनल थर्ड था इनका, टाइम था 1 PM, ठीक है। पैनल में 6 मेंबर थे, 5 मेल 1 फीमेल। देखिए, जो पैनल में मेंबर्स होते हैं ना, वो या तो 6 होंगे या तो 5 होंगे। अगर 6 हैं तो 5+1 होगा, अगर 5 हैं तो 4+1 होगा। एक फीमेल मेंबर जरूर होगी आपके पैनल में, 99% चांस होते हैं एक फीमेल मेंबर होने के। तो इनसे पूछा गया व्हाट इज FRDI बिल, अगेन मैंने ये आपको करवा दिया था पहले से ही, व्हाट इज FRDI बिल, आप इजिली आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज बेल इन एंड बेल आउट स्कीम अंडर इट, ये भी मैंने आपको बताया था कि बेल इन क्या होता है, बेल आउट क्या होता है। तो आई थिंक आपको वो वीडियो हेल्प की होगी जरूर। तो FRDI बिल हो गया, बेल इन एंड बेल आउट हो गया। देखिए, पहले इससे इन्हें इनसे इंट्रो जरूर पूछा गया होगा, शायद ये मिस कर गए हैं कि इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन तो हुआ ही होगा। एंड डू यू थिंक देर आर मोर बेनिफिट्स अंडर FRDI बिल, इस पर भी आपका व्यू हो सकता है। मैंने FRDI के बिल के बारे में डिटेल में आपको बता दिया है, अगेन कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट पूछा कि आप इनके नीचे के क्वेश्चंस देखिए, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट इज क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो, ठीक है। तो इससे देखकर लगता है कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनका जो बैकग्राउंड रहा होगा वो मे बी BCom रहे हो या कोई कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड रहा हो, ठीक है। श्योर नहीं हूं मैं क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है, बट मे बी इनका रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है, इन केस अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होते हैं, एक फिजिकल रिकॉर्ड होते हैं जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हालत को बयां करते हैं, मतलब किस कंपनी की उस समय फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। वो ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, फिजिकल रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए, बैलेंस शीट ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी में कैश का फ्लो कैसे हो रहा है, ये भी कंपनी की आपकी कैसी कंडीशन है, क्या हालत है बताता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को बताते हैं। आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत लोगों ने कहा कि बैलेंस शीट क्या होती है, देखिए ये कॉमर्स बैकग्राउंड वालों से ही पूछा जाएगा, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली आपको बैलेंस शीट पता ही होगी। और इनसे क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट कि व्हाट इज बैलेंस शीट, एक्सप्लेन इन ओनली वन लाइन, ठीक है। तो अगर एक लाइन में बैलेंस शीट की बात की जाए, तो बैलेंस शीट किसी कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटी और उनके जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उसको शो करता है, ये एक लाइन में है किसी एक पॉइंट ऑफ एक टाइम पर, मतलब जो आपकी बैलेंस शीट बनी होती है, ठीक है। बैलेंस शीट कैसी होती है, एक तरफ उसमें एसेट्स होते हैं, एक तरफ लायबिलिटी होती है, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी,
ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब उसमें कंपनीज के शेयर की वैल्यू क्या है, शेयर होल्डर्स जो है उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, एसेट्स इज टू लाइबिलिटी, मतलब बेसिकली ये दोनों होते हैं, एक तरफ एसेट्स तरफ लाइबिलिटी, ये दोनों बराबर आने चाहिए, तभी बैलेंस शीट जो होती है वो आपकी माना जाता है कि सही है। ठीक है, और इस बैलेंस शीट के ऊपर एक डेट मेंशन होती है। सपोज यहाँ पर डेट मेंशन है 20/12/2017, मोस्टली ये डेट होती है फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तब की। ठीक है, तो बैलेंस शीट उस डेट में किसी कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या हैं इसको शो करती है। एक लाइन में आप ये बोल सकते हैं, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट वो है जो किसी डेट में एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो छोटा बिजनेस भी हो सकता है, एक बड़ी कंपनी भी हो सकती है, एक बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, बैंक भी हो सकती है, तो एक डेट पर, किसी भी डेट पर किसी भी कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटी को शो करती है कि उस कंपनी की क्या एसेट्स हैं एंड क्या लाइबिलिटीज हैं। ये हो गया आपका बैलेंस शीट। नेक्स्ट इनसे पूछा गया था व्हाट इज क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो। ठीक है, तो क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो ये क्वेश्चन मैं 100% श्योर हूँ, 100 तो लिखूंगा क्योंकि पूछा भी जा सकता है, 99% तो मैं श्योर हूँ अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आरआरबीज आर फॉर्मड, आरआरबी क्यों फॉर्म की गई। देखिए इसका भी आंसर मैं आपको बता चुका हूँ नाबार्ड एंड आरआरबी वाले वीडियो में, बट अगर आपने फिर भी देखा नहीं है वो वीडियो तो आप जाकर देख लीजिए, एंड फिर भी बता देता हूँ। देखिए अगर एक मेन रीजन की, सिंगल रीजन की बात की जाए, कभी कभी पूछते हैं एक मेन रीजन बताइए कि आरआरबी क्यों फॉर्म की गई, तो उसका है फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक रीजन था फाइनेंशियल इंक्लूजन आरआरबी को बनाने का, गांवों तक, ग्रामीण इलाकों तक, दूर के इलाकों तक नेशनलाइज्ड बैंक्स वहां पर अपनी ब्रांचेस नहीं ओपन कर रही थी, तब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि गांवों तक भी बैंकिंग की सर्विस पहुंचाई जाए, बैंकिंग की सुविधा पहुंचाई जाए, और तब आरआरबी का जो है वो फॉर्मेशन किया गया। तो व्हाई आरआरबी आर फॉर्मड। नेक्स्ट है टू बूस्ट रूरल ग्रोथ व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, रूरल ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। देखिए आप बहुत कुछ बता सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपकी मनरेगा स्कीम आपकी, ठीक है, जो 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है वो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, और सुरक्षा बीमा योजना, ये भी अच्छा है रूरल ग्रोथ के लिए तो नहीं बट ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च की है। ठीक है, तो ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, ठीक है, गवर्नमेंट किसानों को केसीसी प्रोवाइड करती है, किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, उससे वो लोन लेते हैं, वो अच्छी खेती करते हैं, खेती में पैसा लगाते हैं, एंड देन उसके बाद अपने जो लोन को है वो वापस भर देते हैं और प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी उनकी ग्रोथ हो रही है, उनको पैसा मिल जा रहा है, उनको किसी के पास पैसा मांगने जाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सस्ते दामों पर आपको खाद प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी रूरल एरिया से रिलेटेड स्कीम्स हैं, ठीक है, वो आप वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या कर रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ठीक है, वो भी रूरल ग्रोथ के लिए है, गांवों तक रोड्स की कनेक्टिविटी गवर्नमेंट दे रही है, गांवों में बिजली के कनेक्शंस गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। ठीक है, और गवर्नमेंट एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री कौशल विकास, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा है, करके जो योजना है वो भी ग्रामीणों के विकास, ग्रामीण लोगों के विकास में वो भी योगदान दे रही है, जो लोग हैं जो 12th पास हैं, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, तो वो प्रशिक्षण लेके वो कहीं जॉब पा सकते हैं, तो ये सब चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डीआरटी एंड व्हाट इज द लिमिट अंडर इट। देखिए डीआरटी के बारे में मैं एक इस अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगा कि हाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हालांकि इसका फुल फॉर्म होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसका वीडियो आपको मोस्ट प्रोबेबली आज रात 9-10 बजे तक आपको मिल जाना चाहिए। तो डीआरटी क्या है, डीआरटी है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसमें क्या होता है, डेट रिकवरी के लिए केसेस चलते हैं, एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में 33 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इंडिया में बने हुए हैं। नॉर्मल कोर्ट से कंपैरिजन में तेजी से केस चलते हैं और सिर्फ डेट रिकवरी के ही केस चलते हैं, और इसमें सिर्फ उन्हीं लोन्स, बैड लोन्स की एक्चुअली सुनवाई होती है। इसमें कोई भी अपील कर सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपका बैंक इसमें जो है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है उन बैड लोन्स की जो 10 लाख से ऊपर ड्यू है। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या है, सॉरी 10 लाख रुपीज से ऊपर का ही लोन होना चाहिए, 10 लाख रुपए से कम के लोन की सुनवाई डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में नहीं होती है।
ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 33 है, बहुत से शहर में दो दो तीन तीन है, दिल्ली में 3 है, मुंबई में 3 है, ठीक है, बाकी कुछ शहरों में 2 है एंड कुछ शहरों में 1 है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। तो डीआरटी के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल अगर एक लाइन में जानना है तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो बैड लोन्स जो होते हैं, ठीक है, वहां पर उन केसों की सुनवाई होती है, अपील कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकता है, ठीक है। और सरफेसी एक्ट जो मैंने आपको बताया था, सरफेसी एक्ट एक्ट में जब लोन जिन लोगों ने लिया है उनके खिलाफ अगर बैंक कोई कार्रवाई करती है, अगर वो लोन वाला जो इंसान है, जो बोरोवर है, उसको लगता है कि ये उसके साथ ठीक डिसीजन नहीं हुआ है और उसके साथ बैंक ने फेयर डिसीजन नहीं लिया है, बैंक ने गलत कार्रवाई कर दी है, तो वो भी डीआरटी में जाकर अप्लाई कर सकता है, अपना केस वहां पर लड़ सकता है। तो आई थिंक डीआरटी थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा एंड इसके बारे में डिटेल में हम एक वीडियो बना देंगे। तो ये था एक और एक्सपीरियंस एक और कैंडिडेट का, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड प्लीज दो लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में, और उन पे वहां पे जाकर उन पे क्लिक करके चैनल पे विजिट करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्यूचर में उसमें बहुत से फ्यूचर में आने वाले 1-2 वीक्स में बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो आपको पसंद आएंगे, वो आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगे एंड आपको देख के भी अच्छा लगेगा अगर आप किसी सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।